धन आता तो है किंतु बचत नहीं होती। आज घर घर की यही कहानी है, कहीं इसके जिम्मेदार आप स्वयं तो नहीं है। मैं अलका बिरथी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मिक लाइफ से। कई बार हम बचपन से लेकर अभी तक हमारे आसपास के वातावरण या लोगों के बताए हुए थॉट्स, विचार और बहुत सारे हमारे घर के संस्कार हमारे माइंड में इस तरह से प्रोग्राम हो जाते हैं जिसे हम बदलना चाहे भी तो नहीं बदल पाते, और उन सब कारण से हमारी लाइफ भी धीरे धीरे ब्लॉक होना शुरू हो जाती है और हमें लगता है कि हम तो शायद भाग्यशाली ही नहीं है, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा कर दिया है। किंतु ऐसा होता नहीं है, ईश्वर ने हर एक इंसान को एक जैसा ही बनाया है। हर व्यक्ति समृद्ध होने का हकदार है। अगर आप चाहें कुछ क्रिएशन से अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, जिसमें हमारा माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कई बार हमने अपने दादी माँ और सबसे सुना है कि जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ। सही बात है, जितने पैसे हैं उतने ही खर्च करने चाहिए, लेकिन क्या इस भाव को माइंड में बैठा कर मुझे आगे बढ़ने की चाहत ही छोड़ देनी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। हमेशा आगे बढ़ते रहने के भाव को माइंड में क्रिएट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आप कुछ ही रुपयों से संतुष्ट हो जाते हैं, सिर्फ खा के पी के कुछ छोटे मोटे कुछ उपहार खरीद के या थोड़ा सा रेस्टोरेंट वगैरह में घूम के उतनी ही आपकी लाइफ की संतुष्टि है, तो आपको कोई भी समृद्धशाली नहीं बना सकता। क्योंकि अगर आपके माइंड में आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं है, प्रबलता ही नहीं है, तो आप आगे बढ़ेंगे कैसे? इस तरह के बहुत सारे विचार हमारी सक्सेस में रुकावट पैदा करते हैं। अधिकतर लोगों को कहते सुना गया है, अरे इतना बड़ा घर बना के बैठा है, ऐसा है वैसा है, ये पक्का गलत कार्यों से इसने धन कमाया है। क्या कभी आपने उसकी लाइफ में अंदर जाके देखने की कोशिश करी कि उसने कितनी मेहनत करी, कितने एफर्ट्स डाले, कितने क्रिएशन बनाए और कितने प्लानिंग करी उसको अचीव करने के लिए? बचपन से लेके आज तक वो सिर्फ कर्म ही करते हैं जिस कारण से वो आज इस मुकाम पे हैं। आप भी क्रिएशन करिए, आप भी अपनी मंजिल चुनिए, आप देखिए आपके अंदर क्या क्वालिटी है जिस क्वालिटी से आप अपने अर्निंग को बढ़ा सकते हैं, उसमें वृद्धि कर सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर ने एक ना एक स्पेशल क्वालिटी जरूर दी हुई है। आप उसे पहचान कर उस पे काम करके अपने अर्निंग के सोर्सेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। दूसरा, आजकल बहुत नुकसानदायक जो काम हो रहा है, पहले जमाने में कुछ पेमेंट्स हम खर्च करने के लिए कैश निकाल कर रखते थे या कहीं घूमने जाते थे तो मुझे पता होता था कि मुझे 10,000, 20,000, 50,000, जैसे जैसे आपकी हिम्मत हो उसके हिसाब से हम पैसा लेके जाते थे और उतना ही खर्च करके कुछ बचत करके वापस ले आते थे। लेकिन आज की डेट पर सब कुछ डिजिटल हो गया है, बहुत आसान है, बहुत क्लियर है और अच्छा भी है। डिजिटल होने से बहुत सारी चीजों में सुधार आया है, लेकिन हर एक चीज का नुकसान तो होता ही है। आप बिना सोचे समझे अपनी इनकम को बहुत सारी जगहों पे खर्च कर देते हैं, आपको ध्यान ही नहीं रहता कि आपने डिजिटली कितना खर्चा कहाँ कहाँ अननेसेसरी का कर दिया है। तो वो भी आज की डेट में बहुत बड़ा कारण बन रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है ये सारी चीजों के लिए। इससे बचने के लिए हमेशा मैं बोलती हूँ कि डॉलर सिंबल का उपयोग करिए। जो मनी रेकी वाले हैं वो जानते हैं कि डॉलर सिंबल क्या होता है, वसुधा क्या होती है। अगर आप भी जानकार हैं और डॉलर के साइन को तो सब पहचानते हैं, किसी मास्टर से अट्यून करा लीजिए वो डॉलर सिंबल और अपने मोबाइल पर, अपने एटीएम कार्ड पर, अपनी पासबुक पर, अपनी सीट पर, अपने कपड़ों पर, सब जगह आप डॉलर सिंबल का उपयोग करना शुरू करिए। आप देखिएगा कि आपकी
बचत और जो अननेसेसरी कई फिजूल खर्ची थी उसमें बहुत हद तक रुकावट आ जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दूसरा, अगर आप क्रिएट नहीं कर सकते कोई चीजों को, विजुलाइजेशन आपका अच्छा नहीं है या आपको लगता है कि आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत हद तक धार्मिक प्रकृति के हैं, तो आज मैंने जो अपने गुरुओं से सुना, पढ़ा, जाना पहचाना और बहुत सारे लोगों से इन उपायों को करवाया, वो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप कुछ भी अपने माइंड का खेल नहीं कर सकते तो आप इन उपायों में से कुछ उपायों को अपना कर देखिए, देखिएगा आपको लाभ अवश्य होगा। जरूरत होती है श्रद्धा के, विश्वास की, ईश्वर के प्रति समर्पण की। सबसे पहला उपाय है, किसी भी शुक्रवार को देवी के मंदिर में जाकर माँ दुर्गा को अगर आप लाल जासवंत का पुष्प 21 गुरुवार शुक्रवार तक अर्पित करते हैं उनके चरणों में और माँ से धन की वृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, तो माँ अवश्य आप पर प्रसन्न होती है और आपको लाभ मिलता है। इसके साथ ही साथ अगर आप वहाँ बैठकर श्री सूक्त का पाठ भी करते हैं तो उससे भी अधिक लाभ होता है। दूसरा उपाय है, हर एक व्यक्ति की इनकम होती है और हर व्यक्ति महीने में कुछ पैसे अपने घर लेकर आता ही है कैश निकालकर। पहले हफ्ते में जो आप पहला पगार निकालें अपने घर के लिए, घर के खर्च के लिए, तो सबसे पहले उसमें से 1 रुपया माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करिए, रात भर वहाँ रहने दीजिए उस रुपए को। दूसरे दिन पूजा के पश्चात एक लाल कपड़े में या लाल मौली से बांधकर आटे के डब्बे में रख दीजिए, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा और घर में बरकत होने लगेगी। आगे के उपाय के लिए अगर मैं आपको बताऊंगी, कहते हैं घर की ऊर्जा किसी भी चीज के लिए बहुत जरूरी होती है। अगर घर में पॉजिटिव एनर्जी है, ऊर्जा अच्छी है, साफ सफाई है, तो वहां पर लक्ष्मी का वास हमेशा होते हैं। इसलिए नियमित रूप से एक दिन आपके महीने में पकड़ लीजिए और वो होता है अमावस्या का दिन। अमावस्या के दिन आप अपने घर की साफ सफाई विशेष तौर पर करिए, जाले झाड़ना, पंखे साफ करना या जो भी आप एक्स्ट्रा अपनी किचन को व्यवस्थित करना, टूटे फूटे बर्तनों को निकालकर बाहर फेंकना, पुराने कपड़े जिनका उपयोग आपने बहुत दिनों से नहीं किया है, आपको आते भी नहीं है, आप पहनते भी नहीं है, गरीबों में बांट दीजिए। आप देखिएगा नियमित अमावस्या के दिन की हुई साफ सफाई, और प्लस एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, अमावस्या के दिन किसी भी गरीब को सीधा का दान जरूर करिए। सीधा सूखे अनाज को कहते हैं और अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। जब भी आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो वो मन से आपको दुआ देता है और बोला जाता है कि प्रार्थना में बहुत शक्ति है, तो ये कार्य अमावस्या के दिन जरूर करें। गुरुवार के दिन अगर आप पीपल को जल चढ़ाकर घी का दिया लगा वहां पर 10 मिनट तक ध्यान करते हैं तो पीपल से निकलने वाली वाइब्रेशन आपके ऑरा में ऐसी एनर्जी बढ़ाती है जिससे कि बहुत सारी पॉजिटिविटी आपकी ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। तो नियम बना लीजिए, 10 मिनट का समय हर गुरुवार को निकालकर पीपल के पास जाइए, जल अर्पित करिए, घी का दिया प्रज्वलित करिए और आंख बंद कर सांसों पे ध्यान देते हुए पीपल के नीचे ध्यान करिए, आपको जरूर फायदा होगा। कहा जाता है पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि बहुत एफर्ट्स करने के बाद भी लोग आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पूर्वज ने या उन्होंने स्वयं अपने माता पिता, दादा दादी या बोला गया जो पूरे पुराने पूर्वज हैं, कहीं ना किसी पीढ़ी ने उन्हें तकलीफ दी होती है जिसके कारण से घर के अंदर पितृ दोष उत्पन्न हो जाता है। और अगर हमारे जीवन में
पितरों का आशीर्वाद नहीं है तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। आपको अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो आप एक कार्य करना शुरू करिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास जाइए, बोलते हैं पीपल के पेड़ के ऊपर अलग अलग समय पे अलग अलग दिन में अलग अलग देवताओं का वास होता है। तो शनिवार के दिन सुबह 11:30 से दोपहर 12:30 के बीच पितरों का वास माना गया है। कच्चे दूध में गुड़ मिला लीजिए, सरसों तेल का एक दिया बना लीजिए, पीपल के पास जाकर सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए 7 बार उन्हें जल अर्पित करिए। 7 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए और उसके पश्चात ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः ऐसा बोलते हुए गुड़ मिश्रित दुग्ध धारा का अर्पित करिए वहां पर, और सरसों तेल का दीपक लगा के अपने मातृ पितृ पितरों को नमन करिए, प्रणाम करिए, क्षमा याचना करिए। देखिएगा कुछ ही शनिवार करने के पश्चात आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। दूसरा उपाय है, अगर मैंने पहले ही शुरुआत में कहा कि माइंड का बहुत बड़ा खेल होता है, जब भी आप पेमेंट निकाल के लाए घर के खर्चे के लिए सबसे पहले दिन कुछ 10-10 के नोट जरूर लेके आइए और 10-10 के 100 नोट वाली गड्डी आप अपने लॉकर में रखिए और एक सिक्का आप हमेशा अपने पॉकेट पे रखिए जिसे कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है, और 5 मिनट हमेशा उस सिक्के को पकड़कर माइंड को क्रिएट करिए कि सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति आप ही हैं, और आप देखिएगा धन का आकर्षण कुछ महीने तक इसका उपयोग करने से आपकी ओर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि धन की आवक तभी बढ़ती है लाइफ में जब आप उससे प्रेम करना सीखते हैं, जब आप उसे अपनाना सीखते हैं, उसे बहुत अच्छा महसूस करना सीखते हैं। क्योंकि कई बार लोग धन को अच्छा नहीं मानते, तो अगर आप अच्छा नहीं मानते हैं तो क्या आप धन के बिना कभी रह सकते हैं? कहा गया है कि धन सब कुछ नहीं है जिंदगी में, लेकिन धन के बिना भी कुछ नहीं है, क्योंकि हर एक चीज के लिए धन की बहुत आवश्यकता होती है। अगर आपको दान भी करना है तो भी धन की आवश्यकता आपकी लाइफ में जरूर है। इसलिए धन से बहुत प्रेम करिए और अच्छे भाव से हमेशा ईश्वर से मांगिए कि अच्छे रास्ते से अच्छी लक्ष्मी का वास आपके घर में हो। आप देखिएगा कि जरूर माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी और वो धन की एनर्जी आपकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे रास्ते आपके खुलने लगेंगे। अपनी मंजिल को भी पहचानिए, आपकी मंजिल क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप उसे जरूर ढूंढिए अपने अंदर की क्वालिटी को कि आपके अंदर क्या है। कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, कोई बहुत अच्छा सिंगर होता है, कोई बहुत अच्छा डांसर होता है, कोई बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, कोई स्पिरिचुअल लाइन से जुड़ा होता है, तो अलग अलग तरह से लोगों के अंदर क्वालिटी होती है। उस ज्ञान को और बढ़ाइए, अपनी क्वालिटी को और आगे इम्प्रूव करिए और आप उस क्वालिटी को ही चाहे तो अपनी जिंदगी का उसे आप हिस्सा बना सकते हैं, अपने कैरियर के रूप में उसे अपना सकते हैं, और आप याद रखिएगा वही आपको बहुत हद तक समृद्धि से जोड़ देगा। किचन बोला जाता है, रसोई से ही खाना बनता है, खाना से ही हम अपनी लाइफ में बहुत सारी एनर्जी को ऑन करते हैं। कहने का मतलब वो हमारे लिए एक पेट्रोल का काम करता है जो हमारे अन्नमय शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। और खाना जिस भी भाव से बनाया जाता है वो भाव उस खाने के द्वारा हमारे शरीर में जाता है और वैसा ही हमारा माइंड भी क्रिएट करना शुरू करता है। और दूसरा कहा गया है कि रसोई घर हमेशा विशेष तौर पर साफ सुथरा रहना चाहिए। जूठे बर्तन रात में रसोई में कभी भी ना रखें और रात को सोने से पहले कपूर के अंदर साथ में 2 लौंग जलाकर आप वहां पे प्रज्वलित करिए, माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करिए और जब भी खाना बनाएं विश्वास करिए प्रेम से और पॉजिटिविटी के साथ बनाएं
आप देखिएगा माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपके साथ जरूर रहेगा। कई बार घर के वास्तु दोष के कारण भी हमारे घर की आवक रुक जाती है या बहुत सारी धन से संबंधित प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है और आप उसके उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो दक्षिणावर्ती शंख ले आइए और डेली उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्रीम बोलते हुए जल को भरिए। जल भरते जाइए तब तक एक एक चम्मच से जल डालते जाइए मंत्र के साथ जब तक कि वो पूरा भर ना जाए। रात भर उसे पूजा रूम में रहने दीजिए। दूसरे दिन उस जल का छिड़काव आप पूरे घर में करिए। आपके घर की ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होने लगेगी। ये छोटे छोटे उपाय हमारे धर्म ग्रंथों में पुराणों में दिए गए हैं, हमारे धार्मिक किताबों में दिए गए, जिनको अपनाकर पूरे विश्वास से श्रद्धा से अगर हम ग्रहण करते हैं तो ये जरूर लाभकारी होते हैं। और सबसे बड़ा खेल लाइफ में कोई भी चीज के लिए हमारा माइंड बहुत हद तक जिम्मेदार होता है, तो जरूर आप अपने माइंड के पॉजिटिव करना सीखिए, क्रिएशन करना सीखिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना सीखिए। आप जो लाइफ में चाहेंगे हासिल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।